हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी का अपने ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही मॉर्निंग के 8 बजे से, और अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ अपने किचन से। तो मम्मी और पापा ननद की बात की जाए तो पापा चले गए हैं काम पर, और मम्मी और ननद चले गए हैं घास के लिए। बाकी मैं हूँ अभी घर पर। और अभी बाहर के मौसम की बात की जाए ना तो हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर ना सुबह से कोहरा पड़ जाता है। और इतनी जल्दी मतलब अभी अच्छे से सर्दी आई नहीं है, लेकिन कोहरा पड़ जाता है। बाकी सामने आज का मौसम प्यारा सा मौसम दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे आ चुके अपने रूम पे, और अभी मेरे को करना है नाश्ता। आज मैंने नाश्ता किया नहीं है, तो ये ना ननद ने बनाए थे पास्ता, और मैं पास्ता खा रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने ना चावल चढ़ा दिए थे, और अब ना मेरे चावल भी पक चुके हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी हरी सब्जी जो मैं खेत से बीन के ला चुकी हूँ। अब यहाँ पे करते हैं इसकी कटिंग। मैंने ना आग जला के चूल्हे में कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, अब डर भी लग रहा है। और ये है मिर्च और प्याज, ये मिर्च भूननी है मेरे को। बाकी ये है सब्जी। दोस्तों, थोड़ा चूल्हे में खाना बनाने की आदत करना ना। तो दोस्तों, अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ, और मैं जाती हूँ भैंस को पानी देने के लिए। तो दोस्तों, अभी ना मैं जा रही हूँ भैंस को पानी देने के लिए। और भैंस को पानी देते हैं ना जब बिना आटे और बिना नमक के पानी में पीता है वो। हल्का सा आटा और उसमें नमक डाला है, मोटा वाला नमक। मोना जी लो लो, हुई मम्मा ले, ये देखो, ये सामने है हमारा प्यारा। नाम इसका प्यारा रखा हुआ है। है तो नहीं प्यारा, बट लेकिन इसका नाम है प्यारा। ये डाल दिया मैंने इसमें आटा नमक। मेरे को मारना मत था, प्यार से लेके आई हूँ। घास भी नहीं खाया इसने तो ये भी। अभी ना घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, साफ़ सफाई से लेकर बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक का, क्योंकि सब्जी भी चढ़ा दी है तो अब थोड़ी देर में पक ही जाएगी। बाकी अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी लाने की, क्योंकि पानी यहाँ पे दूसरों के नल पे आता है, तो मैं अकेली जाती नहीं हूँ। तो देवर से पूछती हूँ, पहले देवर जी जाएंगे तो उनके साथ जाऊँगी, नहीं तो फिर शाम को ही जाऊँगी। देखते हैं पानी भरने के, क्योंकि भैंस को पानी भी दे दिया है, घास भी दे दिया है, सारा कुछ काम कम्प्लीट हो चुका है। तो अब हम आराम करेंगे और टी वी देखेंगे। हमारे गांव में तो कुछ नहीं है, यहाँ देखें, और इनको ना ऐसे गिराना पड़ा है। और ये तिल के दाने चल रही है, सफ़ेद और काले। तो दोस्तों, ये ना फट कूट काट के यहाँ पे रख दिए हैं, अभी इनकी सफाई होनी बाकी है। और ये है बाजरा। चाची ने हर चीज़ उगाई हुई है, मड़वा और भट और मांस जिसकी दाल बनती है, ये बाजरा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हो चुके हैं बिन मौसम बरसात, और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी है, काफ़ी सुहाना सा मौसम हो रहा है। दोस्तों, इसमें ना धान है जो भून के इनके खाज बनते हैं, और वही चाची ने बनाए हुए। अभी ना हम इसको कूट के खाएंगे। पिछली बार थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे रखी है, उम्मीद करती हूँ कि इस बार एक तो दोस्तों, हमारे धान कूट के तैयार है। तो दोस्तों, हमारे खाज बन के अब तैयार है, बस इनको चबाने की देर है।
और यहाँ पे हमारे कामदार चाचा। दोस्तों रात हो चुकी है और रात के ना 8:30 बज चुके हैं और हम लोगों ने ना खाना वगैरह भी खा लिया है और आज बनी थी कद्दू की सब्जी और रोटी तो हमने खा लिया है। आता है मेरे हस्बैंड का कॉल, फिर थोड़ा उसमें बिजी रह जाती हूँ तो सोना तो लेट ही सोती हूँ। लेकिन अभी ना इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। बाकी बताना ज़रूर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग। बाय।